हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपनी वीडियो में इस टाइप का फ्रॉक टॉप बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना फ्रॉक टॉप बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले फ्रॉक पार्ट के नीचे की कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है जो कि हमने 44 इंच लिया है। इस फैब्रिक को हमें यूं डबल फोल्ड करना है और इसके दोनों कॉर्नर्स को अच्छे से मिला लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से इसके में ट्रायंगुलर शेप बनानी है। उसके बाद इसे इस तरीके से दोबारा फोल्ड करेंगे। अब हमें यहाँ ऊपर वाली साइड से अपनी कमर के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ आप अपने बेबी साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम यहाँ मार्किंग 1.5 इंच पर कर रहे हैं। अब इसी पॉइंट से नीचे आपको जितनी भी अपनी फ्रॉक की लेंथ चाहिए आप वो ले सकते हैं। यहाँ हमने इसकी कंप्लीट लेंथ 9 इंचेस ली है। हमने जो कमर के लिए मार्क किया था उसी मार्क से नीचे टेप को रखते हुए हमें 9 इंच पे मार्क कर लेना है और इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर देना है। फिर हम उसको कट कर लेंगे। सारे पॉइंट की कटिंग होने के बाद हम इसको इस तरीके से खोलेंगे और ये हमारे पास 2 सर्कल पीस कट होके आ चुके हैं। अब हमें इन दोनों सर्कल पीस को एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर हमें अपने सर्कल को फ्रॉक की शेप देने के लिए यहाँ से कट कर लेना है। ध्यान रहे हमें एक दूसरे के ऊपर इन सर्कल को अच्छे से रखना है ताकि हमारा फ्रॉक का बैक और फ्रंट पोर्शन इक्वल रहे। अब हम इसमें लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक के लिए हमने 38 इंच लिया है। उसको भी हमने इसी तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और फिर इसकी इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाएंगे और इसे एक बार दोबारा फोल्ड करेंगे। इस तरह दोबारा फोल्ड करने के बाद इस पर भी हम 1.5 इंच के हिसाब से इस तरीके से गोलाई में मार्क करेंगे। उसी पॉइंट पे टेप को रखते हुए हमें नीचे 7.5 इंच पे मार्क करना है। हमने अपने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक से कम रखना है। हमने अपने मेन फैब्रिक की लेंथ 9 इंचेस ली थी और इसकी लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ हमने यहाँ पे 7.5 इंचेस रखी है। सारी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग पूरी होने के बाद हम इसको अपने लाइनिंग पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करेंगे। उससे पहले जैसे हमने अपने मेन फैब्रिक में कट किया था लाइनिंग फैब्रिक में भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी लाइनिंग फैब्रिक भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें अपना एक लाइनिंग फैब्रिक का पीस लेना है और एक मेन फैब्रिक का पीस लेना है। इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें इसको स्टिच करना है। सबसे पहले हम इसकी दोनों कोनर से स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इसको बीच में से इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करते हुए स्टिच करेंगे। इस तरीके से अपने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच करने के बाद हम अपनी फ्रॉक पार्ट को अपने टॉप वाले पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। अगर आपको टॉप वाला पार्ट बनाना नहीं आता तो सेम डिज़ाइन का टॉप वाला पार्ट बनाना मैंने आपको अपनी वीडियो में सिखाया है। आप वो वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरीके से हमने अपने टॉप वाले पार्ट के ऊपर अपना फ्रॉक पार्ट इस तरीके से रखना है। हमारे दोनों फ्रंट साइड बीच में होने चाहिए और हमें यहाँ से सिलाई दे देनी है। इस तरीके से हमें अपना टॉप और स्कर्ट का पोर्शन जो है वो जॉइन कर लेना है।
अब हमने अपनी फ्रॉक के लिए बेल्ट रेडी की है जिसकी चौड़ाई 3 इंचेस है। इसको बनाने के लिए हमें 7 इंच चौड़ाई में और 40 इंच लंबाई में फैब्रिक को कट कर लेना है और उसे डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। फिर भी आपको बेल्ट बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बेल्ट बनाना भी ज़रूर सिखाएंगे। अब हम इसके लिए फ्लावर बनाएंगे, जिसके लिए हमें अपनी कटिंग में से बचे हुए फैब्रिक को पे इस तरीके से सर्कल बनाना है। ये हमारा सर्कल 3 इंच का है। इस तरीके से हमने अपने सर्कल को कट कर लेना है। सेम तरीके से हमने यहाँ पे 6 सर्कल्स को रेडी किया है। अब हमें उसमें से एक सर्कल को लेकर इस तरीके से 4 लेयर्स में फोल्ड करना है और इसकी खुले वाली साइड से हमें सुई में धागा डालकर इस तरीके से उसमें डाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास लीफ की शेप रेडी है। इसी सेम प्रोसीजर से हम अपने 6 के 6 सर्कल को अपने सुई धागे के साथ इस तरीके से धागे में डाल लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको हर कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आप किसी और फ्रॉक या स्कर्ट का ट्यूटोरियल वीडियो चाहते हैं जिसका डिज़ाइन आपको पसंद हो तो उसका फ़ोटो या डिज़ाइन आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। जो भी आप मेरे को फ़ोटो भेजेंगे उसका ट्यूटोरियल वीडियो बना के भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। इस तरीके से हमने 6 के 6 फ्लावर्स को डाल लिया है। उसके बाद हमें अपनी फर्स्ट पत्ती और लास्ट वाली पत्ती जो हमने फ्लावर की बनाई थी उसको आपस में जॉइन कर लेना है और लास्ट में उसकी गांठ बांध देनी है। इस तरीके से सेम प्रोसीजर से हमने रेड वाले सर्कल को भी कट किया है। इसके भी हमने 6 सर्कल लिए हैं। इसके एक सर्कल का डायमीटर हमने 2.5 इंचेस रखा है। सेम प्रोसीजर से अपने सारे सर्कल को फोल्ड करके नीडल की हेल्प से अपने थ्रेड में डाल लेना है। उसी तरीके से हमारे पास हमारा रेड वाला फ्लावर बनकर भी रेडी हो जाएगा। ध्यान रहे, इस तरीके से पत्ती बनाते हुए हमें धागे को ज़्यादा नहीं खींचना है। अगर हमने ज़्यादा खींचा तो वो धागा हमारा टूट भी सकता है। इस तरह हमारी 6 लीफ पूरी होने के बाद हमने धागे को खींचकर अपनी फर्स्ट और लास्ट लीफ को स्टिच करना है। सेम प्रोसीजर से जिस तरीके से हमने अपने नेट वाले फैब्रिक की लीफ को स्टिच किया था, इसमें भी हमें लास्ट में इसको टाइट करने के लिए ऐसे गांठ बांध देनी है। अब हमारे पास हमारे दोनों फ्लावर बनकर रेडी हैं। उसको हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के उनको जॉइन कर लेंगे। हमने इसके बीच में इस तरीके से एक गोल्डन कलर का मोती भी जॉइन किया है। फिर इस तरीके से अपनी बेल्ट पे रख के अपने फ्लावर को जॉइन कर लेना है। यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हुए हम आपको धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो।